हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाक विभाग भर्ती के बारे में। तो आप सभी को बता दें, इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहां पे आप सभी के लिए न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस वैकेंसी के लिए 10th पास ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि डेली अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया है। यहां पे देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पे आप सभी को दिया गया, तो यहां पे आप सभी देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। डेट देख सकते हैं 17/1/2022 को इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था। और यहां पे मतलब जो इसका नोटिस था, जिस दिन इससे परमिशन मिली थी उस दिन का ये डेट है 17/1/2022। डेट भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं कब से लेके कब तक इसके जो फॉर्म होंगे वो आपके भरे जा सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो यहाँ पे आप सभी को इसका एड्रेस भी दिख रहा होगा। एप्लीकेंट आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। यहाँ पे आप देखेंगे स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ पे ऑर्डिनरी ग्रेड यहाँ पे दिया गया, जनरल सेंट्रल सर्विस आप सभी को बताया गया, नॉन रजिस्टर्ड वैकेंसी होंगी, नॉन मिनिस्ट्रियल रहेंगी। वैकेंसी की संख्या टोटल आप सभी को बताई गई है 29 यहाँ पे पोस्ट रहेंगी। जनरल की वैकेंसी 15, एससी की वैकेंसी 3, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। अगर एसटी फॉर्म अप्लाई करना चाहता तो जनरल कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी की टोटल 8 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी यहां पे रहेंगी। यहां पे आप सभी को बता दें कि जो टोटल वैकेंसी हैं आप सभी को यहां पे क्लियर कर दी गई हैं। और आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंटल वैकेंसी हो, कोई भी इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि एसटी की वैकेंसी नहीं है, अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको एज में छूट वगैरह दी जाएगी। आगे चल लेते हैं। तो यहां पे आप सभी को बता दें कि 2 वैकेंसी यहां पे रिजर्व रहेंगी सर्विसमैन के लिए, बाकी की जो वैकेंसी है एज एट आपकी वैकेंसी रहेंगी। और आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकती है, तो इसका जो राइट रहेगा वो डाक विभाग के पास ही रहेगा। आगे देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पे स्केल ऑफ पे बताया गया है, 19,900 से लेकर 63,200 आपकी सैलरी रहेगी। लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी। पे मैट्रिक्स जो आपका रहेगा 7 आपका रहेगा। लास्ट डेट आप सभी को बताई गई है रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो 15/3/2022 तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं ये 5 बजे तक। और ये जो फॉर्म रहेगा आप सभी को बता दें कि ऑफलाइन आपको फॉर्म भर के भेजना होगा। एड्रेस वगैरह भी नीचे आप सभी को दिया गया है, वो भी यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं। आप देखेंगे एज लिमिट आप सभी को बताई गई है, एलिजिबिलिटी देख रहे हैं हम यहाँ पे। इस लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 18 से 27 साल जनरल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पे आप ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी, यानी ओबीसी कैंडिडेट 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। आप एससी एसटी हैं तो 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी 32 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट अगर आप एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी तो यहाँ पे 40 साल तक आप इसके लिए अप्लाई करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। तो आपकी एज काउंट की जाएगी, द सर्कुलर डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट सेल वी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन 15/3/2022। आपका एज क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा वो 15/3/2022 से किया जाएगा, यानी इस दिन आपकी जो एज होनी चाहिए कम से कम 18 होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में, मैक्सिमम होनी चाहिए 27 साल। बाकी की जो कैटेगरी को छूट दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। बी पे आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी इसके लिए अप्लाई करने के लिए योग्यता क्या चाहिए देख लेते हैं। लास्ट में सबसे पहले देख लीजिए, पास इन 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट। तो आप सभी को बता दें कि आपने 10th पास कर रखा हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड और इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें चाहिए वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें पोजेशन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एंड हैवी मोटर व्हीकल। तो आप सभी को बता दें कि आप सभी के पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, DL होना चाहिए मोटर व्हीकल के लिए, और हैवी मोटर व्हीकल के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि अगर आपके व्हीकल में कोई छोटी मोटी जाता है तो आप ठीक करके आप उसे काम चला लें। थर्ड पे आप सभी को दिया गया, यहाँ पे आप सभी के पास एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल एटलीस्ट 3 है। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का और हैवी मोटर व्हीकल का, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए क्वालिफिकेशन तो सिंपल यहाँ पे 10th पास रखी गई है, उसके अलावा यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो और पे आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होगा। 3 साल का एक्सपीरियंस से सीधा सीधा सा मतलब है DL होना चाहिए जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है लाइट मोटर व्हीकल का और हैवी मोटर व्हीकल का। आपका 3 साल पुराना आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 15/3/2022 को, अगर उसे 3 साल हो चुके हैं कंप्लीट बने हुए, 3 साल का एक्सपीरियंस भी माना जाएगा, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। न्यू अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसके लिए वैलिड नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं लगता।
लेते हैं। नंबर सी पे दिया गया डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया 3 ईयर सर्विस एज ए होम गार्ड ऑफ सिविल वॉलेंट्री, तो ये वाला पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 ईयर यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रहेगा। रिक्रूटमेंट, तो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट आप सभी को बताया गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट भर्ती है। जैसा कि मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया था कि डिपार्टमेंटल वगैरह नहीं है, डायरेक्ट भर्ती निकाली गई है ऑल ओवर इंडिया के लिए, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सर यहाँ पे बात की गई है तो सेलेक्शन के लिए आप सभी को बता दें कि सेलेक्शन ऑफ ड्राइवर शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एज द प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट टू ड्राइव लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल्स इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म and to remove minor defect in the vehicle from the amongst the candidate the requisite eligibility criteria mentioned above. The date and of the test will be separated to the candidate. No intimation will be sent in the respect to other applicant who are not eligible. तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसके कोई भी आपको रिटन एग्जाम नहीं देना है, आपको यहाँ पे फिजिकल एग्जाम नहीं देना है, केवल जो आपका होगा वो आपका होगा ड्राइविंग टेस्ट, यहाँ पे आप सभी से करवाया जाएगा। अगर ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। वहीं पे आपको मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए, वो आपसे चेक किया जाएगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज है उसके बारे में तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, और जिनके फॉर्म सही पाए जाएंगे केवल उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया। बाकी एप्लीकेशन जो आप सभी को दिया गया, इसका जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन का वो नीचे आप सभी को दिया गया, उसे फिल करके आप सभी को भेजना होगा। तो यहाँ पे आप सभी को कुछ इंस्ट्रक्शन इसके लिए दिए गए हैं, जैसे कि फोटो कॉपीज आप सभी को दिल्ली स्टेट अटेस्टेड रजिस्टर्ड ऑफिसर और अटेस्टेड, या अटेस्टेड हो या रजिस्टर्ड ऑफिसर से अटेस्टेड आपकी होनी चाहिए, तभी आपको ये जो कॉपीज हैं वो सभी फोटो कॉपीज भेजनी है। जैसे फर्स्ट नंबर पर दिया गया प्रूफ ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज एस्टिमेटेड एट सी वन, और SC ST OBC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए किसी गवर्नमेंट जॉब का है वहां से, और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो उसका भी आपको भेजना है। दिया गया 2 copies ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटेस्टेड बाई रजिस्टर्ड ऑफिसर और सेल्फ अटेस्टेड, वन स्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द अदर शुड बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप सभी को बता दें कि एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी है और एक आपको अटैच करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजनी। तो 2 photographs आपको चाहिए तो सेल्फ अटेस्टेड हो या रजिस्टर्ड ऑफिसर हो, मैं आप सभी से कहूंगा कि आप रजिस्टर्ड ऑफिसर से करवा लें तो ज्यादा बेटर आप सभी के लिए रहेगा। एप्लीकेंट बनने के लिए आप सभी को बता दें कि जो प्रॉपर तरीका होता है, एक एनवेलप आपका होना चाहिए। एनवेलप के अंदर आप सभी को ये जो डिटेल्स हैं जो आपका फॉर्म रहेगा उसे फिल करके आप सभी को भेजना होगा, और ये जो भेजना रहेगा वो आप सभी को बता दें कि स्पीड पोस्ट के थ्रू आप सभी को करवानी होगी, या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर के थ्रू आप सभी को भेजना होगा। इसका जाएगा था सीनियर मैनेजर मेल मोटर्स सर्विस सी नरेना इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 नरेना न्यू, ये आपका एड्रेस रहेगा। सेंट बाय द कोरियर और एनी अदर ट्रांसमिशन विल नॉट बी एंटरटेन और कंसिडर्ड। आप सभी को बता दें अगर आप कोरियर किसी और थ्रू और किसी तरीके से भेजते हैं तो आपका जो फॉर्म होगा एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए आप सभी को सजेस्ट करता हूं कि डाक विभाग द्वारा इंडियन पोस्ट द्वारा ही उसे स्पीड करके रजिस्ट्री से आप सभी को भेजना है। तो यहाँ पे एक क्लियर आप सभी को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए, और यहाँ पे नीचे सभी का जो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन वो आप सभी को दिया गया सीनियर मैनेजर के द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 17/1/2022 को इस नोटिफिकेशन के लिए परमिट, वो भी नीचे आप सभी देख सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी गई है, और नीचे आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म भी आप सभी को दिया गया है। ये आपका फॉर्म रहेगा, सेल्फ अटेस्टेड और रजिस्टर्ड ऑफिसर किसी से भी आपको करवाना होगा तो यहाँ पे आपका एक फोटो लगेगा उसे हट लेना है। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे आप सभी को फिल करके भेजनी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आप सभी को एक एप्लीकेशन के लिए स्पेशल वीडियो बना के दे दूंगा जिससे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी सीख जाएंगे और आप एप्लीकेशन फॉर्म सही से भर पाएंगे। तो लास्ट डेट भी आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, 15 मार्च 2022 आपकी लास्ट डेट रखी गई है। तो सभी लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।